घंटा बैठने हैं ना उसको। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इस दफ़ा हम ये करें ना, ये भी आपके लिए ऐसा एक लाइफ टाइम एसेट होगा कि ये याद रहेगा कि हमने ये ड्यूटी की थी या इस तरह से वहाँ पे। तो शाह साहब तो खुद सबको मोटिवेट करते हैं और सरकार से मोटिवेशन लेने के लिए आ जाते हैं। ये अच्छा है जी। सर जो मैं रात को महफिल यहाँ पे होती है वो अभी कंटिन्यू है या है? क्योंकि मैं अलहमदिल्ला सर 10 साल से आ रहा हूँ यहाँ। हाँ जी आए वो दरमियान में डिसकंटिन्यू हो गई थी शायद कोरोना की वजह से। महफिल मुख्तसर हो गई थी बंद, तो वो जब दरबार से बंद हुए ना फिर तो हमने भी बंद कर दिया, लेकिन अभी शुक्र है खुले हुए सारे मामले। लेकिन एक भी जुमेरात मिस नहीं, जुमेरात नहीं कभी सुनी ना, मिस नहीं हुई। आते रहे, आने वाले आते रहे सर जी। बैक डोर, हाँ बैक डोर, हाँ जी बिल्कुल साइड पे। तो आगे दरवाज़ा तो खुला था वो बंद। अभी आप आ सकते हो आते ही हूँ नजर ना आता हूँ बाप का रोला हो लश्क ज्यादा हो गया टाइम का तो कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। खैर के सफर में ना तो कोई पहले है और ना बाद में, जो आखिर में भी हम पहले ही है सफर खैर का। और दूसरी जो बात है मेरा सर ये ऑब्जर्वेशन है जी कि वासिफ साहब की वजह से हम सब की स्पीड ज़्यादा हो सच, क्योंकि वो शऊर वो समझ या वो मेच्योरिटी जो शायद जाके बड़ी प्राइस पे करके सीखूँ, बड़ी कीमत अदा करके, शायद बड़ा नुकसान करके जी जी। तो वो आपकी मोहब्बत में, अच्छा जो मोहब्बत से सीखा हुआ इल्म है वो, क्योंकि उसके नंबर शंबर तो नहीं लग रहे होते हैं, ना कोई प्रेशर होता है, ना कोई डर होता है, ना जी पी ए, ना अटेंडेंस, वो मोहब्बत की वजह से सीखा जा रहा होता है। वो सारा जो वासिफ साहब की निस्बत से उनकी मोहब्बत में हमने उन्हें पढ़ा समझा सीखा, या कह लीजिए कि वो शऊर जो एक वासफी शऊर कह दूँ फिर मैं उसे वो हमें मिला, उससे हमारा पैंडा बड़ा आसान हो गया, खोटा होने से बच गया। और मैं कभी कभी उस वक्त पे रश करता हूँ और विश करता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी उस तरह का ज़माना जवानी उन्हें भी मिल जाए। लाइक बसंतें होती थी पहले, अब तो नहीं होती। मुझे याद है काश भाई कि हम ना बसंत वाले रात में भी यहीं पर ही होते थे जी। अलग हमारी बंग गुड्डी डोर अलग है, हर कोई इत्तला में डाल रहा होता था। क्या लाता था बाहर निकल के कि ये जो पटाखे चल रहे हैं और ये जो दुनिया, ये 14 अगस्त को एक टायर पे पूरा लाहौर होता था हमारी उम्र के लोगों को, तो ख्याल आता था कि ये जो एक टायर पे है ये हम क्यों नहीं। तो ये अब समझ आई है कि वो जो है वो कहीं ना कहीं खड़क करके आपका जो गुंडा है वो बदल जाता है, और कहीं फिर जाके समझ आती है कि जो सारा सफ़र था ये वहाँ से इब्तदा हुई थी चलते चलते आपने। दूसरी सर मेरा दूसरा मुशाहिदा मेरा ये है कि बंदा अपना बेड़ा अगर खुद ना करे ऐसे पक्का यहाँ से बंदा अपना ही खुद दुश्मन ना हो, बंदा है जो जिसको उसको संभालना नहीं आता उस ताल्लुक को। एक बात याद रखिए कि जिस शख्स का आपके दिल में एहतराम और मोहब्बत नहीं है ना, सीख नहीं सकते उससे, ले कुछ नहीं सकते। सोने की बात भी कर रहा हूँ ऐसे वो, मतलब आज से 1400 साल पहले का भी दौर हो, उस मोहब्बत के बगैर नहीं किसी को कुछ मिल सकता। उस मोहब्बत में ताकत इतनी है कि वो गुलामों को भी सरदार बना दिया उसने। ये बसारा बाकी हर मैं समझता हूँ कि कच्चे बंदे की वासिफ साहब की तालीमात से हमने समझा वो संगत या सोबत है वो आपकी आपकी अपनी फील्ड में आपने एक्सेल करना होता है। ये बड़ा एक मिथ है, हम सब के सब कहीं वासिफ साहब बनने के चक्कर में ना पड़ जाए। अच्छा वासिफ साहब हम अपनी फील्ड में जाए ना, अपना शोभा पकड़े हैं। आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं, आप एक जेंटलमैन ब्यूरोक्रेट बने, आप पब्लिक स्पीकिंग में आते हैं उसमें खैर फैलाएं, आप लिखते हैं बोलते हैं। तो वासिफ साहब ने अपनी हयात में भी ये किया जो मैं समझूँ कि आपने हर बंदे की जो कह लीजिए उसमें उसकी शर को ख़त्म किया, खैर को जगाया और कह लीजिए उसको एक मोहब्बत करने वाला इंसान बनाया उसी के शोबे में।
ये जो एक कहीं ना कहीं लाशोरी तौर पे एक ऐसा तबका आपको मिलेगा हर बड़े इंसान के फॉलोअर्स में जो वही बनने के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये मैं नहीं समझ पाया कि ये कोई फितरती तरीका नहीं है। वो इंस्पिरेशन से ज़िंदगी का एक शोभा भी आपका बेहतर हो जाए बड़ी बात, कोई एक शोभा। बस मैं पढ़ाता रहा हूँ, आप शायद आपको पता हो, तो मेरी मेरे पढ़ाने में बड़ी मेच्योरिटी है, मतलब मेरे ऐसे कई शागिर्द हैं और उसकी वजह वासिफ साहब की तालीमात थी। बस आप जो पढ़ाने के अयाम थे आपके 60s 70s वाले के, तो हम पढ़ते हैं कि उसमें वासिफ साहब ना सिर्फ पढ़ाते थे बल्कि खाना भी मिल जाता था चाय भी। तो वो मेरी दारे से या मेरे साथ आज मुंसिफ लोगों को ये आसानी मिलती है, तो वासिफ की याद है